सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप एक 5paisa में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो अपडेटेड 5paisa है, इसमें जो भी प्रोसेस जो अपडेट हो चुका है, कैसे आप इसमें एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही इजीली फ्रेंड्स। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सो फ्रेंड्स, आपको ना सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप एक पेज पर लैंड करते हैं, तो इस पेज को ना आपको क्रोम में खोल लेना है। ठीक है, क्रोम में खोलने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अपना एक फोन नंबर एंटर कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर इस फोन नंबर पर आपको एक ओटीपी चला जाता है। याद रखिएगा कि आप जो ये फोन नंबर एंटर कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड एंड पैन कार्ड के साथ लिंक हो। ठीक है, सो वो उस ओटीपी को जब आप वेरीफाई करते हैं तो फिर और एक पेज पर आप आ जाते हैं जहां पर आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना होता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फोन नंबर जो है वेरीफाई हो चुका है, कंटिन्यूअसली हमें मैसेज आ रहा है, और अब हमें अपना ईमेल आईडी को एंटर करके उसे भी वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, जैसे ये पेज लोड हो जाता है तो फ्रेंड्स सिंपली आपको अपने ईमेल आईडी भी एंटर कर लेना होगा, वहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कंटिन्यू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाता है। सो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो उसके लिए आपको अपने ईमेल बॉक्स में जाना होगा और वहाँ से आपको अपना ओटीपी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, लिंक योर पान, आपके पान कार्ड का डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करना है। पान कार्ड नंबर और आपके पान कार्ड पे जो डीओ भी दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ, उसे भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना डिटेल्स क्लियरली अब सबमिट कर दिया था। उसके बाद जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आता है कंप्लीट KYC डिटेल। अगर आपके पास जैसे कि आप देख सकते हैं डीजी लॉकर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कंटिन्यू विथ द प्रोसेस स्किप पे लिखा हुआ है, उसे आप क्लिक कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अगर आपका डीजी लॉकर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जैसे कि आप स्किप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डिटेल एंटर कर लेना है और IFSC कोड भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद जैसे आप ये सबमिट करते हैं तो आपके अकाउंट पर ना, जैसे ये वेरीफाई हो जाता है 5paisa था, तो आपके अकाउंट में ₹1 जो है क्रेडिट हो जाता है। तो उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ आपका अकाउंट जो है ऐड हो चुका है, दैट मीन्स ये कनेक्टेड है 5paisa के साथ। ठीक है, सो उसके बाद आपको यहाँ पर अपडेट योर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करना होता है। पर्सनल डिटेल्स, हाँ जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, और आप हाँ ऐसे जेंडर्स, और आप मैरिटल हैं, दैट मीन्स कि मैरिड हैं या नहीं, और आपके पिताजी का नाम, उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आपने, मैंने यहाँ पर सारे डिटेल्स फिल कर रखा है। और उसके बाद आपको आने के बाद यहाँ पर आपको ना अपना ऑक्यूपेशन, आप क्या कर रहे हैं और आपके हायर एजुकेशन क्या है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपका एनुअल इनकम भी आपको यहाँ पर फिल करना पड़ता है। सो आपको जस्ट चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हम एक और पेज पर खुल जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो पेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड प्रोसेस है। सो यहाँ पर आपको अपना पान कार्ड, आपको अपना सिग्नेचर और फोटो, दैट मीन्स एक सेल्फी आपको अपलोड करना होता है। तो हमने पान कार्ड अपलोड कर लिया है, अब हमें अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फ्रेंड्स, ये जो सिग्नेचर है ना, एक ब्लैंक पेपर में होना चाहिए और उसका एक फोटो उठाकर सिंपली आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रॉप कर सकते हैं, जो भी चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। उसके बाद जब हम सेल्फी वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा एक्सेस का ऑप्शन मांगता है। यहाँ पर देख लीजिए, लाइट अच्छा होना चाहिए, गॉगल्स ना पहने, नहीं आप कैप पहने, एक मास्क भी अपना पहने। ठीक है, और सो एक कंप्लीट एंड क्लीन फोटो होना चाहिए, क्लियर फोटो होना चाहिए, ताकि आपका जो है सेल्फी हो वेरीफाई हो सके। ठीक है, सो उसके बाद हम जब प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई साइन योर फॉर्म पे, फॉर्म का एक ऑप्शन आता है। इस पेज पर आप लैंड करते हैं तो यहाँ पर आपको ई साइन नाउ पर क्लिक कर लेना। देखिए, ये जो आप ई साइन नाउ पर क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर फिलहाल आपका एक डीमैट अकाउंट खुलेगा। उस डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए ही आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा है। यस फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट जहाँ पर आप अपना होल्डिंग्स रखते हैं। ठीक है, सो उसके लिए क्या होगा कि जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आप NSDL के पेज पर आप लैंड करते हैं। ठीक है, NSDL, जैसा कि आप देख सकते हैं NSDL के पेज में आपने लैंड किया, और वहीं फिर आप जब देखेंगे नीचे थोड़ा जब आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा VID/Aadhaar। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर क्लिक कर देना है और यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर आपको राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो आपको एक OTP आ जाता है उस रजिस्टर्ड नंबर पर, जो कि आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपना OTP एंटर करेंगे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर एक राइट टिक दिया हुआ था, आई वेरीफाइड, तो वहाँ पर आपको आई हैड बाय ऑथराइज, तो वहाँ पर आपको टिक भी कर देना है। ठीक है, तो आपका आधार जो है वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका डीमैट अकाउंट जो है खुल चुका है। और उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने जो फोटोज अभी अभी अपलोड किया था उसमें से किसी भी फोटो में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो जो है रिजेक्ट हो जाता है और फिर से आप उसी पेज पर वापस लैंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि उस फोटो को
फिर से रिप्लेस करके, दैट मीन्स एक नया फोटो आपको वहाँ पर अपलोड करना होता है। लाइक आपका जो सेल्फी है एक क्लियर फोटो होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड टू टेबल टास्क में, जो भी आपका ये प्रोसेस आपको फॉलो कर लेना है कम्प्लीटली, आपका जो डिटेल आपको अपलोड कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है कि आपका जो है एक डीमैट अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स एंटर किया है वो आपके ट्रांजेक्शन के लिए ऐड हुआ है, ना कि आपके अकाउंट से कुछ चार्जेस कटेगा उसके लिए। हाँ फ्रेंड्स, चार्जेस तो तभी कटेंगे जब आप इनके जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं अगर वो पे नहीं करते हैं तो, ठीक है। लाइक चार्जेस दैट मीन्स कि अगर आप मार्जिन यूज करते हैं वो सारे चार्जेस उस पर, वो सारे पे अगर आप पे नहीं करेंगे तो चार्जेस कटते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट आपके बैंक में नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। वो एट द एंड में अगर आप उन्हें पे नहीं भी कर पाते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर आप प्लीज़ अपना नेगेटिव बैलेंस जो चार्ज पेमेंट कर दीजिए। सो ये सारे डिटेल्स के बाद आप जैसे देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो है एक 5% एक डीमैट अकाउंट खुल चुका है। सो आप इंटरनेट PC और अगर आप चाहें तो आप मोबाइल में भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपका ये 5 पैसा अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।